हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिपाल सिंह जडेजा और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल बिंदास बापू। मेरी इस चैनल में कम समय में काफ़ी अच्छी जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं। मैं किसी भी बात को लंबा नहीं खींचता हूं और कम समय में ही जो भी बात कहनी है वो कह देता हूं। तो आप कम समय में यदि अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरी इस यूट्यूब चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं डार्क स्टॉक का एक फंक्शन के बारे में। ये डार्क स्टॉक अप स्टॉक्स के द्वारा प्रोवाइडेड अभी फ्री सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। तो डार्क स्टॉक के बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पहले से मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डार्क स्टॉक का ये जो वर्कप्लेस है, जब भी आप पहली बार इसको ओपन करते हैं तो चार्ट इस तरह से ब्लैंक खुलता है। अभी ब्लैंक चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर तो नहीं सकते, मगर काफी सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से, जैसे कि कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, कोई कुछ अलग स्विंग ट्रेडर है, तो उस तरह से उनको जो भी चीज की जरूरत है वो अपना सेटअप्स बनाते हैं। मगर हर दिन क्या आप सेटअप्स बनाते रहेंगे या हर दिन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेटअप्स चेंज करते रहेंगे, वो एक टाइम कंज्यूमिंग गेम है। तो उसके रिजोल्यूशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम चार्ट में जो भी इंडिकेटर्स वगैरह लगाना चाहते हैं उसको सेव कर लेते हैं और जो भी चीज उसको सेव करते हैं उसका नाम हम यहां पर बताते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आज कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो चार्ट है उसको मैं पहले पॉपअप कर लेता हूं ताकि बड़ी स्क्रीन में आप उसको इजीली देख सके। तो मान लीजिए कि ये ब्लैंक चार्ट है, उसमें आप कुछ बनाना चाहते हैं टेम्पलेट्स। तो पहले से आप जो भी इंडिकेटर आप यूज करना चाहे, जैसे कि वॉल्यूम्स, यहां पर मैं वॉल्यूम में वी लिखता हूं, आ जाता है वॉल्यूम्स, उसको मैं ऐड कर लेता हूं। उसके बाद मैं एमएसडी को ऐड कर लेता हूं, हम यहां पर एमएसडी, और यहां पर मैं बोलिंगर बैंड्स उसको यूज करके इस तरह से बना लेता हूं। मान लीजिए ये आपका एक सेटअप है किसी भी ट्रेडिंग के लिए, तो इसको आप बार बार यूज कर रहे हैं तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए, फाइल में जाकर यहां पर सेव टेम्पलेट्स दे दीजिए। यहां पर वो पूछेगा तो उसका मैं नाम लिख देता हूं न्यू टेम्पलेट्स, यहां करके मैं सेव कर देता हूं। अब इसको मैं बंद कर देता हूं। अभी मान लीजिए कि ये चार्ट है और यहां पर आप उस टेम्पलेट्स का यूज करना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक कीजिए चार्ट पे, फाइल में जाइए, यहां पर लोड टेम्पलेट्स पे जाइए, जो आपने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं अब तक वो यहां पर दिखाई देगा। यहां पर आप न्यू टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए तो आप देखेंगे कि बोलिंगर बैंड्स, वॉल्यूम इंडिकेटर वगैरह आ गया। मान लीजिए कि आप कोई अलग सेटअप चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल में जाइए, लोड टेम्पलेट्स में जाइए, आपने कोई और अलग बनाया है, जैसे कि मैंने ये ईएमए वाला बनाया हुआ, इसको मैं ओपन करूंगा तो ये ईएमए वाला सेटअप्स आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप अपना कोई भी टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से डार्क स्टॉक की यदि कोई भी फंक्शन के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूरी कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।